पीरियड्स के डेट पर एक हफ्ते पहले से 10 दिन पहले से आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स शरीर में नजर आते हैं जैसा लगता है कि यस इस बार तो कंसीव हो गया। बट हार्ट ब्रेक तब होता है जब थोड़ा डिले करके आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अब मालूम नहीं चलता कि ये मिस्ड प्रेगनेंसी है या फिर मुझे प्रेगनेंसी थी ही नहीं या फिर अर्ली स्टेज में ही अबॉर्ट हो गई है, पीरियड्स आ गए हैं मुझे। तो ऐसे क्या मिस्टेक्स होती हैं, नॉर्मली होती हैं, अनअवेयर रहता है आम इंसान इन चीज़ों से, तो उसके बारे में आज मैं बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से आपको समझाऊंगी, रेमेडीज भी आपको बताऊंगी। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल पे। आइए हम समझते हैं कि गर्भधारण सफल बनाने के लिए कैसे मजबूत प्रयास किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, गर्भधारण की तैयारी में अब कपल्स को ज्यादा वक्त क्यों लगता है, ज्यादा इफर्ट क्यों लगता है, क्या है प्रॉब्लम है? 50-60 साल पहले तो कोई फर्टिलिटी वर्ड के बारे में इतना फैमिलियर नहीं था। ऐसा इसलिए खान पान, पोषण का जो तरीका है, मिट्टी की जो उर्वरता है, उसमें भी फर्क पड़ा और हमारे खान पान का तरीका भी बदला है। कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं, जो हमें पता नहीं चलती, उनको हम समझते हैं कि क्या हमें सुधारना है जिससे इनफर्टिलिटी खत्म हो जाए, हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव हो, प्रेगनेंसी प्लानिंग सक्सेसफुल हो। हॉर्मोन्स बैलेंस रहना बहुत जरूरी है जिससे पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी की हो रही है महिलाओं में और पुरुषों में सबसे ज्यादा हॉर्मोनल इंबैलेंस ओबेसिटी वगैरह की वजह से। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि आपको थकान रहती है रात को, जब आप सोने जाते हैं तो पैर के काफ मसल्स जो हैं वो बड़ी मरोड़ खाती है, बड़े क्रैम्प होता है, पीठ में दर्द होता है, बहुत फिजी रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, थकान बहुत ज़्यादा बनती है आपको, बहुत जल्दी जल्दी आपको थकान हो जाती है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या जो मैं डाइट ले रहा हूँ वो मेरे शरीर की ज़रूरत को पूरा कर रही है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियाँ हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपना टेस्ट कराना है, टेस्ट कराएं, क्योंकि कैल्शियम विटामिन D3 की प्रॉब्लम जो है 85% भारतीय लोगों में है, उसको ठीक कैसे करना है आपको। कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट जो है एक हेल्दी एडल्ट के लिए 1000 mg के आसपास होती है। प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग में इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन हमारे डाइट से अगर हम बहुत अच्छा कैल्शियम रिच फूड नहीं खाते तो ऐसे में जब आप टेस्ट करा लें और अगर टेस्ट में कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर कम आता है तो सबसे पहले आपको एक नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स। फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स में क्या है, आपकी डेली की नीड का कैल्शियम है, डेली की नीड का विटामिन D3 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, विटामिन K2 है, जो आपकी बोन हेल्थ को मजबूत बनाता है। इस टैबलेट को डेली लेने से आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है, बोन स्ट्रेंथ आती है। आप डेली रात को सोने से आधा घंटा पहले इसका एक टैबलेट खा सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इसे तुरंत ही परचेज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लॉन्ग टर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो है सप्लीमेंट की बात, क्योंकि डेफिशिएंसी होने पे एक बार आपको सप्लीमेंट सजेस्ट किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा डाइट में भी आपको हमेशा हमेशा के लिए कुछ अच्छी चीजों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपके पीसीओडी में सुधार होगा, आपका यूट्रस हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्रस को कैल्शियम की जरूरत होती है इम्प्लांटेशन को सफल करने के लिए। पीएमएस के सिम्टम आपने महिलाओं में देखे होंगे, यदि आपको आता है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि यस मुझे भी पीएमएस की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है तो आपको अपने न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स को अगर आप बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो पीएमएस ठीक होगा। और कैल्शियम विटामिन D3 डाइट में और सप्लीमेंट के तरीके से अगर आप ले रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके हार्मोन्स हार्मोनी में आएंगे, बैलेंस में आएंगे और आपकी इनफर्टिलिटी क्योर होने लग जाएगी। इम्प्लांटेशन की रेट्स बढ़ती हैं, ओवुलेशन की रेट्स इंप्रूव हो जाती हैं कैल्शियम विटामिन D3 से, और साथ ही आपका स्ट्रेस नहीं होता। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो विटामिन डी बहुत तेजी से कम होने लगता है शरीर में से, तो इसलिए आपको कैल्शियम विटामिन D3 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाने में रागी की रोटी, रागी का चीला, रागी की इडली आप प्रेफर करें, मशरूम खा सकते हैं आप, सीड्स और नट्स खा सकते हैं आप, टोफू ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आप, तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे। और कैल्शियम विटामिन D3 के लेवल पे आप नजर रखते हैं, अगर समझ के रखते हैं उसको, तो आपका गर्भ स्थापन जो इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है और प्रेगनेंसी प्लानिंग का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन चीजों को फॉलो करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब सहेली की प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।